गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट सेडम तालुका रेलवे स्टेशन पर रेलवे पुलिस की जानिब से कोणार्क एक्सप्रेस ट्रेन में 30 किलो गांजा पकड़ा गया है, जिसकी कीमत 60 लाख रुपए बताई जा रही है। कोणार्क एक्सप्रेस ट्रेन में एक शख्स अपने साथ 30 किलो गांजा भुवनेश्वर से मुंबई लेकर जा रहा था। इसकी खबर मिलते ही वाड़ी रेलवे स्टेशन के सर्कल इंस्पेक्टर असलम बादशाह एंड टीम सेडम रेलवे स्टेशन पर गांजा सप्लायर को पकड़ने के लिए तैयार खड़ी थी। जब कोणार्क एक्सप्रेस ट्रेन सेडम रेलवे स्टेशन पर आई तो असलम बादशाह एंड टीम ने जैसे ही गांजा सप्लायर को पकड़ने की कोशिश की, गांजा सप्लायर गांजा छोड़ भागने में कामयाब हुआ। पुलिस टीम ने बताया ये कुल 30 किलो गांजा है जो मुंबई भेजा जा रहा था। असलम बादशाह गुलबर्गा रोजा पुलिस स्टेशन के सर्कल इंस्पेक्टर थे, हाल ही में वाड़ी रेलवे स्टेशन को ट्रांसफ़र हुए हैं। गुलबर्गा शहर में भी असलम बादशाह ने कई बार गांजा सप्लायर को पकड़ जेल भेजने का काम किया है और ट्रांसफ़र होने के बाद ट्रेन में हो रही इलीगल स्मगलिंग का पर्दाफाश कर रहे हैं।